और देखो कालू ये बंदूक लेने का सोच रहा है, 50 रुपए का है और ये 30 रुपए का है। एकदम दो है, जितना है निकाल दे। मैं भी आलो। देखो आग लगाया मैंने, आग तो देखो ये बलून नीचे गिर गया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आज है दीपावली, तो आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। दीपावली मेरा कैसा बनता है यहाँ पे इंडिया में। 8 साल बाद में दीपावली मनाऊंगा और देखते हैं आज का दीपावली कैसा बनता है। आप लोगों को हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को और आपके पूरे परिवार लोगों को हैप्पी दिवाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और देखिएगा कि 8 साल बाद मेरा यहाँ पे इंडिया में दिवाली कैसा मनता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। कालू के गली में चलेंगे, कालू के साथ ही अपना दीपावली मनता है हर बार, इतने सालों से, बहुत सालों से, और इस बार भी उसी के साथ मनेगा। तो देखो कालू अपने छत पे लड़ी लगा रहा है। अभी मैं छत पे चढ़ा हूँ, इधर देखो, और ये है कितने सारे लड़ी है देखो। तो देखो मैं यहाँ बैठ कर पूरी ये लाइटिंग लगाने में मदद करवा रहा हूँ कालू का। तो दोस्तों लगा दिया हमने। देखो कालू इलेक्ट्रीशियन सब जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने सुलझाया पूरा इधर। तो देखो दोस्तों चालू हो गया, कालू के घर भी जगमगा गया। यहाँ से कनेक्शन हुआ है पूरा, ये पूरा। तो देखो दोस्तों अभी मैंने रामू से बोला था कि दिवाली का मिठाई वगैरह नहीं खिलाएगा, तो वो बोला मैं तो आ नहीं पाऊँगा नोएडा से इतना दूर से, तो 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया है फ़ोन पे और हम लोग जा रहे हैं, मैं और कालू इधर ही मार्केट में से मिठाई वगैरह और इसी से पटाखे वगैरह खरीद कर अभी फोड़ेंगे गली में। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं हमदर्द पे, और हमदर्द पे मार्केट दिखाते हैं कैसा लगा है। कुछ उधर मिलेगा खाने पीने का तो उधर ही खरीद के खाएंगे। तो देखो दोस्तों अभी मैं हमदर्द पे आ गया हूँ और यहीं हमदर्द से आप लोगों को पूरा स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। कल तो परसों आप लोगों ने देखा था धनतेरस के दिन 9 नंबर गली। बाकी आप लोगों को ये मेन रोड का दिखाऊंगा मार्केट। जैसे कि देख लो यहाँ से ये सब मार्केट लगा हुआ है। हाँ, यहीं से मार्केट स्टार्ट होता है, वहाँ से तो पार्क है। और जैसे कि देख रहे हो लाइटिंग वगैरह का सब लड़ी जरी लगा हुआ है। और देखो घरे पूरे सजे पड़े हैं, कितने मस्त लग रहे हैं। तो देखो ये है अग्रवाल स्वीट्स। और ये सब बर्तने वगैरह का दुकान है। बर्तने वगैरह का भीड़ लगा था धनतेरस के दिन, और आज पटाखे वाले दुकानों पे लगा होगा ज़्यादा। देखेंगे पटाखे कोई अगर पसंद आए हमें तो वो भी खरीदेंगे। देखो ये सब लाइट वगैरह। इसका ये पीस का ये 60 हो गए। ये कौन सा है? नहीं, 2 पीस के लगा। तो देखो आज भीड़ देखो मिठाइयों के दुकान पे, एकदम पूरा एकदम बांटने के लिए, खाने के लिए पूरा पैकिंग हो रहा है। जो 1-2 दिन पहले तक सिर्फ मोमोज बेच रहे थे, अभी वो लोग भी मिठाइयों के दुकान खोल के बैठे हैं। तो देखो धनतेरस वाले दिन मैंने यहाँ तक का वीडियो दिखाया था, अब इसके आगे का मैं आज दिखाऊँगा। जो कि कालू यहाँ पर कुछ खुरफाती कर रहा है। तेरा इच्छा पूरा हो गया, तेरा दिवाली मन गया, हो गया तेरा दिवाली। अब जा जाके सो जा, अब जाके सो जा तू। हो गया तेरा दिवाली, हो गया। देखो देखो ये रहा, यहीं पे पूछ के गया था मैं। ये ड्रीम सर्कल है। मुझे तो कुछ अभी खाने का मन कर नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ पटाखे ही ले लूँ, पटाखे ही छोड़ूँ मैं। चिप। जो रियल में लिखा है ये भी नरेश भाई का ही है, जहाँ पे मैंने पूछा था मोबाइल के बारे में। लूँगा इन्हीं से ही मोबाइल लूँगा मैं। देखो एक दो दिन में, 4-5 दिन में कभी लेता हूँ मैं। देखो यही है संगम विहार का रतिया मार्ग मार्केट, जो कि इससे पहले किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। दिवाली हो, छठ हो, पूजा हो, किसी का भी नहीं। मैं ही बना रहा हूँ पहला वीडियो, यूट्यूब पे मेरा ही दिखेगा। अगर आप लोग सर्च मारोगे संगम विहार रतिया मार्ग का वीडियो ब्लॉग, तो यही मेरा ही आएगा। तो देखो दोस्तों, ये सऊदी वाला पुतला इधर भी लग गया है, बुला रहा है ये। बुला रहा है, आ जाओ घुसो इसी दुकान में, कुशवाहा इंटरप्राइजेस। हाँ, कुशवाहा इंटरप्राइजेस। देखो सऊदी में ऐसा मैं देखता रहता था, आज इधर इंडिया में पहली बार देखा। ये पहुंच गए हम लोग रॉयल स्वीट्स, बाकी कुमार स्वीट्स तक जाएंगे, 16 नंबर गली में अंदर। देखो यहाँ पे है बर्तनों का बहुत बड़ा दुकान। हाँ पीछे भी है, पीछे थोड़ा छोटा ही है मगर ये बहुत बड़ा है, 15 नंबर गली के सामने। अब देखो दिवाली के ऑफर में मोबाइल लेना सही था। आप लोग कई लोग कमेंट करोगे भाई अभी ले लो, अभी ले लो, ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा। मगर यही है कि अपना उतना बजट नहीं है, नहीं तो मैंने भी सोचा था दिवाली के ऑफर में ही लूँ। ये रहा अपना कुमार स्वीट, और ये देखो 16 नंबर गली। तो देखो ये गली से चल रहा है, इसमें लग रहा है दिवाली। हाँ इसमें लग रहा है कि आज दिवाली है। तो चलो इसको अंदर चल के हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। 16 नंबर गली पूरा सजा हुआ। देखो एक ज़माना था कि हम लोग इसी गली में रहा करते थे, क्यों कालू? यही गली में, पतली वाली गली में। देखो इसी गली में हम लोग रहा करते थे, आगे जाकर एंड में घर था। तो इसी में से मैं जाता था पढ़ने, तो कालू से दोस्ती हुआ था, रामू से दोस्ती हुआ था। तो बाज़ार करना होता था तो अपने को तो इधर निकलते ही बाज़ार मिल जाता था। देखो भीड़ देखो, ये है इधर संगम विहार में वो झूले वगैरह वाला मेला नहीं लगता है, बाहर में लगता है। तो देखो कालू ये बंदूक लेने का सोच रहा है, 50 रुपए का है, और ये 30 रुपए का है सेमी, वही भर के डालने वाला, मारने वाला, जो अभी कालू फोड़ा था उसमें पत्थर से, वही है। यही ले ले क्या? एकदम दो है, जितना है निकाल दे, जितना है निकाल। वो जला के माचिस वाला ले। देखो दोस्तों 16 नंबर से पूछते पूछते आ गए। इतने देर में ही सारा बम, वो बीड़ी बम जो माचिस वाला आ रहा है, माचिस जैसे जला के फेंको, वो सब खत्म। अब देखो आगे फिर से जा रहे हैं हम दर्द की तरफ ही। हम लोग मिलता है तो वही लेंगे, 2 पैकेट वही छोड़ेंगे। कुछ तो मजे ले बचपन वाला। सऊदी में तो 8 साल से कभी दिवाली नहीं मनाया, तो आज कुछ तो मज़ा लेंगे। कम से कम माचिस वाला पटाखे ही छोड़ के हैं, और एक चक्री भी ले लेंगे, उसी पे कालू और मैं रख लेंगे जला के। वैसे दिवाली कई मना रखा हूँ मैं कालू के घर पे आके बचपन में। इसमें भी खत्म है बस बंदूक है बंदूक। तो यहाँ पे है अभी बहुत सारा है यहाँ पे, ये रहा, ये बीड़ी वाले बोलते हैं। देखो इधर से जला के फेंक दो आवाज आएगा। 20 रुपए का मिल रहा है। कितने का ये? तो ले लिया मैं एक ये माचिस वाला और एक ये लहसुन वाला, दोनों 30 रुपए का ले लिया। अब यही हम बोल के अपना दिवाली मना लेंगे मैं और कालू। ट्राई करके दिखाओ। हाँ ट्राई करके दिखा, साला जल भी रहा है कि नहीं। हाँ फट रहा। तो आ गए हम लोग कालू के गली में, यहीं पे अभी अपने पटाखे छोड़ेंगे। ओए बेड़े ये बोला उसको आवाज ही नहीं दे रहा। ये मेरा भतीजा है छोटा वाला। यही मेरा भतीजा है ये कालू का। दूसरा ले ले, इसको बाद में अलग से फोड़ियो, जैसे ये फोड़ रहा है ना जला जला के वहां से। यस ये मेरे किराने की लड़की है। कहाँ है? बोलेगा बोलेगा हम ओरिजिनल वाला लाया हूँ। इंस्टाग्राम पे डालना है, इंस्टाग्राम पे। देखो इसको मैंने मोबाइल पकड़ा रखा था तो खड़े में वीडियो बना रहा, जैसे इंस्टाग्राम पे डालेगा। देखो अनार भाई, हाँ ये इस पे काम आएगा सही से। हाँ ये है अनार बम। तो देखो ये कालू का भतीजा है, ये भी कालू का भतीजा बड़ा वाला। अब ये जा रहा बड़ा वाला बम जलाने, अनार बम। कौन सा बम है? अनार बम है, अनार है, बुलेट, बुलेट। हाँ बुलेट। हाँ कालू के जला। तो देखो अभी बुलेट बम जला रहा है कालू का भतीजा। कितने जगह चेंज करने पड़े। ये फटा। ये तो देखो ये बैलून नीचे गिर गया। उड़ा नहीं ऊपर, अभी गर्म नहीं हुआ है। हाँ उड़ रहा है। अरे कहाँ? देखो आप गया एकदम स्पीड में। तो देखो सब बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। अपने लिए यही एक अनोखा चीज़ है जो कि रामू पैसा भेजा था, हमने खरीद लिया। वैसा तो 30 रुपया भी खर्च किया हमने, बाकी बस यही, बाकी खाने पीने में इतना ही शौक पूरा कर लेना है। देखो कालू का घर का अंदर का नजारा। मेरा बच्चा भी आना चाहिए। ये अपना भांजा अभी लहसुन बम फोड़ेगा। तो हो गया पूजा वगैरह। एक तूले उधर उधर फोड़ो, उधर दरवाजे फोड़ दिया। तू चले जाओ आलू। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। पूरा ऊपर तक सज गया है कालू का घर, और ऊपर ही अभी रॉकेट वगैरह छूट रहा होगा तो वही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो कालू और कालू का भांजा जा रहे हैं। आ गए छत पे। अब दीवार में जाके लड़ेगा। देखो उड़ गया। देखो ये जा रहा है वो बैलून, बाकी उधर से प्लेन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बराबर में ही है वो लोग। देखो आवाज, देखो एकदम चटपट चटपट एकदम। ओह रॉकेट देखो। हाँ ये तो यही आ रहा है, यही आ रहा है। देखो तो देखो ये अपने ऊपर से जा रहा है। हाँ तो देखो कालू का भांजा सारा हमारा पटाखा फोड़ रहा है। देख रहे फटा एक ही फटा। देखो ये कौन सा स्टाइल वाला जल रहा है, चिपचिट वाला। देखो एक गन पाउडर वाला। चक्री जलेगी। देखो आग लगाया मैंने, आग का। पूरा था पूरा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो रात के 11 बज रहा है, संगम विहार के नज़ारे देखो, पूरा रोड खाली हो गया, सारे दुकानें बंद हो गए हैं, सब अभी पटाखे सब छोड़ ही रहे हैं। अब मैं कालू के घर से प्रसाद लेकर फिर जा रहा हूँ अपने घर पे। शाम से ही हूँ मैं, 5 बजे से ही हूँ। खाना पीना खा लिया मैं और खाना वाना पैक करके दे रहा है मम्मी के लिए, नाजिया के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ये प्रसाद ले लिया मैं, प्रसाद पैक करके दिया अभी कालू और लेके जा रहा हूँ घर पे। तो देखो कालू का दिया हुआ प्रसाद लेके आ गया मैं, मम्मी खोल के देख रही है। ये है क्या बोलते हैं मुरमुरा, लाई मुरमुरा है, पकौड़े हैं, ये पकौड़ा हाँ पकौड़े और पुआ है, दही बल्ले हैं और रसगुल्ले हैं। नाजिया का तो निकल पड़ी है। हाँ तो नाजिया टेस्ट करके बताएगी कैसा लग रहा है। चटनी के साथ अच्छा लग रहा है। चटनी होगा नहीं, चटनी नहीं है, चटनी के साथ मस्त लग रहा है। वहाँ पे चटनी था, चाहे चटनी नहीं दी है। बाकी ये सब्जी दही भल्ले दिए हैं लोग। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और हैप्पी दिवाली आप लोग भी कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वास्सलाम, टेक केयर।